स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज काउंसलर चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डीप स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक भी और साइंटिफिक भी समझदार मेरा डिस्कशन हुआ किसी से, और जिसने मुझे बहुत एनलाइटन किया। तो आई थॉट आई शुड शेयर विथ माय लिसनर्स, इट विल हेल्प देम। तो एक हमारे उसके अंदर हिंदू रिलीजन के अंदर एक लाइन है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ही क्रिएटर हूँ अपने जीवन का। आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग, जो सेम चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में ये सारे लोग बोलते हैं दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, मीन्स आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ही क्रिएटर हो हर चीज के। अच्छा जी, तो एक इंसान वो बोल रहे थे कि मैं भगवान में नहीं मानता, पर मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मेरा जीवन मैं खुद बनाता हूँ। अब उस लाइक वो कैसे, तो बोलते हैं कि जब भी मैंने ये बोला रोके कि भगवान मेरा यह काम कर दो, तो नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने रोके खुद को बोला कि मैं पावरफुल हूँ, मैं अपना ये काम ज़रूर कर दूँगी, मेरा ये हो जाएगा, उसके बाद कुछ वक्त में रास्ते निकले और मेरा वो काम हो गया, मैंने खुद ही कर दिया। तो बोलते हैं मुझे ये समझ में आ गया कि सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है। अगर भगवान कोई है भी, कोई यूनिवर्सल पावर है भी, कोई सोर्स है भी, तो उन्होंने सारी शक्तियाँ मुझे दे के रखी है। इट इज़ अबाउट अ टाइम कि मैं इस चीज़ को रियलाइज करूँ, अवेकन करूँ, अंडरस्टैंड करूँ और यूज़ करूँ अपने जीवन के अंदर। मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है आपने कि अगर मैं ही क्रिएटर हूँ तो मैं ही डिस्ट्रॉयर भी हूँ अपनी प्रॉब्लम्स की, मैं ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, मेरे अंदर ही पावर है। और ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी मुझे सुन रहा है और आपको ये चीज़ क्लिक कर रही है कि आप खुद को इतना पावरफुल नहीं समझते, लेकिन डेफिनेटली आप इतनी पावरफुल है कि आपने इस वक्त ये वीडियो मैनिफेस्ट किया। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस या कॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिसका जवाब आपने, आपको यूनिवर्स ने इस वीडियो के थ्रू दिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ये बार बार होता है कि ऐसा कुछ मेरे अंदर चल रहा होता है और मुझे उसका जवाब वीडियो के थ्रू मिलता है। तो इस वीडियो का क्लियर कट आंसर ये है कि अगर हमारी जो पुराने जो है उसके अंदर बोला क्या है ये सारी चीज़ें, आध्यात्मिक जो लेखन है उसके अंदर कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये समझना ज़रूरी है दैट आई एम द वन हु क्रिएट्स एंड ओन्स माय डेस्टिनी। मैं हूँ क्रिएट करने वाला, मुझे इंटेंशन सेट करने हैं, मुझे मेहनत करनी है। देखिए आप सब ना विजुअलाइजेशन इन सब चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, ये सारे टूल्स है, लेकिन मेन काम क्या है, आपकी खुद की पावर में आना, खुद के वाइब्रेशन को हाई लाना। वो आप कैसे करेंगे, सेल्फ लव से, खुद से प्यार करना जो भी है जैसे भी है, खुद को माफ करके, खुद की हिम्मत खुद बनना, खुद का सहारा, खुद की हर एक चीज़ जिसे जो आपको ना पसंद है उससे ही प्यार करना, ग्रैटिट्यूड में रहना। अब ग्रैटिट्यूड का ये मतलब ये नहीं होता कि संतोष है हमारे जीवन में, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। संतोष का मतलब ये है कि करंटली जो भी है उससे हम बहुत सेटिस्फाइड है और बहुत एक्साइटेड है आने वाले जीवन के लिए, उस खुशी के लिए। तो सेकंड ग्रैटिट्यूड में रहना, और थर्ड डेली अफर्मेशन, कोई ना कोई अफर्मेशन अपने साथ हमेशा रखना, अच्छे जीवन के रिलेटेड या आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसके रिलेटेड। बिकॉज आप जो अपने आप को बोलते रहते हैं बार बार, वही आप मैनिफेस्ट करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है सेल्फ टॉक का इम्पोर्टेंस। तो एक ही लाइन है, एक ही अफर्मेशन है, अगर रोज और कुछ नहीं सुनते तो डे बाई डे एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, हर दिन हर तरीके से मेरा जीवन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। अब बात ही अहम ब्रह्मास्मि, अगर ये सच है और अगर हम ये मान लें दैट आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग इट, शायद कुछ था मेरे अंदर जिसने मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स या परेशानी या ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, लेकिन क्योंकि अब मैं अवेयर हूँ, अब मैं अवेकन हूँ, अब मुझे इतनी सारी पावर, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स,
यूनिवर्स ने दी है, मुझे यूनिवर्स ने अपना हाथ अपने सपोर्ट के रूप में लिया है, मुझे ये सारी चीज़ें समझाई है, तो डेफिनेटली वो चाहता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूँ और कुछ अचीव करूँ। बस इसको समझ जाइए, इंटेंशन सेट कीजिए, सारी निराशा दुख तकलीफ को अपने जीवन से बाय बाय बोल दीजिए, इंटेंशन रखिए, वेलकम करना चाहती हूँ खुशियों को, सफलता को, आनंद को, संतुष्टि को, शांति को, शक्तियों को अपने जीवन में, एक खुशहाल से खुशहाल स्टेटस, परिवार, जीवन, हर तरीके की खुशी को मैं वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? अगर मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ तो हर तरह की आध्यात्मिक शक्ति जो मेरे आसपास है वो मुझे मदद करेगी, मेरा आत्मबल बढ़ेगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेरा खुद से प्यार बढ़ेगा, मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा और मेरा जीवन एक मिरेकल बन के रहेगा। लोग बोलेंगे कि इसने अपना जीवन बदल के दिखाए। शुरुआत कहाँ से होगी? आपके मन से, आपकी सोच से। आपको बस एक शिफ्ट लाने की जरूरत है, दैट आई एम द वन, जो भी पिछले हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, दैट आई वॉज द वन हु डिड इट एंड नाउ जस्ट स्टार्ट creating something else, because you are the master of your life, you are the master of your destiny, you have got power, I'm telling you, just do it and you will do it, I am so sure, maine kiya hai, bahut sare logon ne kiya hai, aap bhi zarur karenge, theek hai, milenge kisi aur video ke sath, thank you so much।